हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हैंडलिंग मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 9.5 सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स 9.5 बेसिस है आपका किस पे? रावेस टेस्ट के ऊपर, लॉगरिथमिक टेस्ट के ऊपर, गॉस टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले इनको हम समझेंगे, इनके स्टेटमेंट को देखेंगे, इनके वर्किंग स्टेप को देखेंगे, कैसे हम करेंगे इनको। तो इसके लिए हमें जो है अपने नोट्स की ओर चलना पड़ेगा। नोट्स की ओर जाने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नोट्स पे। प्रॉब्लम करने से पहले सारे टेस्ट को हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टेस्ट है रावेस टेस्ट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, ये भी एक तरह का रेशियो टेस्ट ही होता है, लेकिन ये हायर लेवल का होता है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा टेस्ट पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट पढ़ा था। तो ये एक रेशियो टेस्ट था, इसके बाद ये लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हायर रेशियो टेस्ट। जब ये फेल हो जाता है आपका तो ये टेस्ट अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हायर रेशियो टेस्ट। ये भी एक तरह का रेशियो टेस्ट ही होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, रावेस टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल। जब आपका डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो ये टेस्ट आपका अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया कि ये कब लगता है। अब हम स्टेटमेंट की ओर आते हैं, रावेस टेस्ट के स्टेटमेंट की ओर। देखो, ये बोल रहा है कि अगर आपका दिया हुआ सीरीज, लेट करो आपका समीशन ऑफ इवेंट, दिया हुआ सीरीज है, इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट, इस तरह से कि आप जब इसको निकालोगे, ठीक है, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यूएन बाई यूएन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू के। यहाँ पे के एक वैल्यू आएगी, इसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो के यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। तो देखो किस तरह से वैल्यू आएगी, तो आपका क्या होगा सीरीज, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो, समेशन ऑफ इवेंट क्या होगा, इस के की वैल्यू पे डिपेंड है। के की वैल्यू जैसी आएगी उसके अनुसार आपका सीरीज होगा, दिया हुआ सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये डिसीजन लिया जाएगा। देखो स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द सीरीज समेशन ऑफ इवेंट इज कन्वर्जेंट इफ के ग्रेटर देन वन। अगर यहाँ पे जो के आया है इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी तो आपका ये सीरीज है समेशन ऑफ इवेंट, ये कन्वर्जेंट बोला जाएगा। अगर के की वैल्यू यहाँ पे वन से कम आएगी तो आपका दिया हुआ जो सीरीज है समेशन ऑफ इवेंट, वो आपका डाइवर्जेंट बोला जाएगा। अगर के की वैल्यू वन आएगी, ये जो के है यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू वन आती है तो यहाँ पे जो आपका सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, यानी कन्फ्यूजन, यानी यहाँ पे आपका ये टेस्ट काम करना बंद कर देगा। के इक्वल टू वन पे ये फेल हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो के इक्वल टू वन पे ये जो आपका रावेश टेस्ट है ये फेल हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, हमें कोई और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो हम आगे सीखेंगे। अब फ्रेंड्स, हम वर्किंग स्टेप पे आ जाते हैं, किस तरह से रावेस टेस्ट को अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समेशन ऑफ इवेंट आपको गिवन रहेगा, तो किस तरह से जो है आप रावेस टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करोगे। तो देखो, स्टेप वन में आपको सबसे पहले अप्लाई करना है डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट, ये आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। ये लोअर रेशियो टेस्ट होता है, ठीक है ना, हायर रेशियो टेस्ट तो आपका ये वाला है रावेस टेस्ट, ओके। तो सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है इसको। देखो, इसमें रावेस टेस्ट के स्टेटमेंट में ये चीज़ें हैं, तो आपको इसको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको तब फाइंड करनी है जब आपका डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, याद रहे, ये आपको तब निकालनी है जब ये फेल हो जाएगा। तो यानी सेकेंड स्टेप आपको तभी जाना है जब पहला स्टेप जो है वो फेल हो जाए, मतलब इसको हम निकाले और ये फेल हो जाए, ओके, ठीक है। फ्रेंड्स, स्टेप टू में इसको आप इवेलुएट कर लोगे, के का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लोगे, के निकालने के बाद आप डिसीजन लोगे कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, वो आपको पता लगेगा रावेस टेस्ट के स्टेटमेंट से, ये रहा इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप के का वैल्यू देख लोगे, जैसा होगा के का वैल्यू उसी के अनुसार कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोला जाएगा या फेल बोला जाएगा, ओके। तो ये आपका तीन स्टेप में ये आपका कंप्लीट होता है, ये रावेस टेस्ट का एप्लीकेशन इस तरह से कंप्लीट होता है। अगला टेस्ट को समझते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट को। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये लगता कब है। देखो, जब आपका डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और दिया हुआ जो आपका सीरीज है समेशन ऑफ इवेंट, वो आपका पावर में होना चाहिए और फैक्टोरियल में होना चाहिए। देखो, जैसे ये आपका है, यहाँ पे देखो पावर में दिया हुआ है और यहाँ पे फैक्टोरियल में दिया हुआ है,
तो अगर आपको ऐसा दिखे दिया हुआ सीरीज, आपका समेशन ऑफ इवन आपका कुछ इस तरह से ऐसा दिखे और आपका जो आप लगा रहे हो डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वो फेल हो जाए, ठीक है, तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करोगे। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के स्टेटमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ समेशन ऑफ इवन, समेशन ऑफ इवन आपका क्या है, इवन का सीरीज है, इज पॉजिटिव टर्म सीरीज हो सच दैट, इस तरह से कि जब हम इसका वैल्यू निकाले वो के आए, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है आपका लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग इवन बाई इवन प्लस वन, जब आप निकालो तो यहाँ पे के है, तो के डिसाइड करेगा कि दिया हुआ आपका जो सीरीज है समेशन ऑफ इवन वो आपका कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। देखो यहाँ पे पहला केस है, देखो सीरीज समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट बोला जाएगा कब, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। तो ये जो आपका यहाँ पे के आया है इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है तो आपका दिया हुआ जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट बोला जाएगा, और यदि के की वैल्यू एक से कम होती है तो दिया हुआ जो आपका सीरीज होगा उसको डाइवर्जेंट बोला जाएगा, और यदि के की वैल्यू वन हो जाती है तो जो आपका समेशन ऑफ इवन होगा यानी जो आपका सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी हो सकता है, यानी कन्फ्यूजन यानी टेस्ट आपका यहाँ पे फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। देखो फ्रेंड्स ये जो आपका टेस्ट है बिल्कुल रावेज टेस्ट जैसा ही है, देख सकते हो जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया गया है के ग्रेटर देन वन के लेस देन वन, वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे है कि आपका जो सीरीज रहेगा वो पावर में रहेगा फैक्टोरियल रहेगा, तो आपको इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करके करोगे तो नहीं होगा इसलिए आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो रावेज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सीरीज जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको यूज़ करने होते हैं। ओके अब फ्रेंड्स हम स्टेप की ओर आते हैं, वर्किंग स्टेप्स फॉर अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है समझो, इसको स्टेप क्या रहेगा, पहले आपको अप्लाई करना है डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इसको इवेलुएट करना है, यहाँ पे के की वैल्यू आपको निकालनी है ना, इसको इवेलुएट करना है आपको, कब करने हैं आपको जब डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, स्टेप वन जब आपका फेल हो जाएगा तो जिस वैल्यू के लिए फेल हुआ है उसी वैल्यू पे आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, यहाँ पे की आप फाइंड करोगे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में आपको डिसीजन लेना है कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, वो कैसे डिसीजन लोगे, तो लॉगरिथमिक टेस्ट के स्टेटमेंट से आप डिसीजन लोगे, जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया ये देखो इस ये जो केस यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं इसी केस के अनुसार जो है आप डिसीजन लोगे कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा दिया हुआ आपका सिरेज। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने लास्ट टेस्ट की ओर जिसका नाम है गॉसस टेस्ट, गॉस का टेस्ट उसको समझते हैं। तो देखो ये कब एप्लीकेबल होता है इसके बारे में समझते हैं, गॉस टेस्ट इज एप्लीकेबल आफ्टर डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रावेज टेस्ट फेल। तो जब आपका डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए रावेज टेस्ट फेल हो जाए, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है गॉसस टेस्ट, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स, यानी सबसे पहले जो है आपको डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करने हैं वो फेल हो जाए तो आपको रावेज टेस्ट अप्लाई करने हैं वो फेल हो जाए तो आपको गॉस टेस्ट अप्लाई करने हैं। ये कभी फेल नहीं होता, इसमें फेल होने का कोई कंडीशन नहीं होता, ये हमेशा पास होता है। देखो फ्रेंड्स गॉसस टेस्ट को अप्लाई करने के दो कंडीशन है, पहला कंडीशन की डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रावेज टेस्ट आपका फेल होना चाहिए, दूसरा कि अगर आप जो है यहाँ पे रेशियो लो यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन का रेशियो लो तो आपका वन बाई एन की पावर में मिलना चाहिए मैकलॉरिन एक्सपेंशन से, मतलब जब इसका आप मैकलॉरिन एक्सपेंशन से एक्सपेंड करोगे इसको तो आपका जो सीरीज मिलेगा वो आपको मिलेगा पावर ऑफ वन बाई एन के फॉर्म में। तो अगर आपको ऐसा मिले तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो गॉसस टेस्ट को। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, अगर आप इसका रेशियो ले रहे हो तो आपका कुछ इस तरह से आए, देखो वन बाई एन के पावर में है, देखो यहाँ पे वन बाई एन के पावर वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो इस तरह से अगर आए, अगर हम इसका रेशियो ले, अगर इस तरह से हमें सीरीज मिले, इस तरह से एक्सपेंशन मिले तो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं गॉसस टेस्ट को। तो दो कंडीशन आपको याद रहे, पहला ये दोनों के दोनों टेस्ट फेल होने चाहिए और दूसरा दिया हुआ जो आपका यू एन बाई इवन प्लस वन है इसको एक्सपेंड करें तो हमें वन बाई एन के
पावर में मिले एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है अप्लाई करने के। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस टेस्ट का। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इसका स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर दिया हुआ सीरीज समेशन ऑफ इवेंट इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, जो देखो जो भी टेस्ट अप्लाई होता है वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो दिया हुआ आपका जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए कुछ इस तरह से कि जब हम इनका रेशियो ले तो हमें इस फॉर्म में मिले, जब हम इनका रेशियो ले तो इस तरह से इसको एक्सपेंड हम कर पाए, ठीक है। एक्सपेंशन इस तरह से हो पाए। यहाँ पे जो अल्फा दिख रहा है आपको वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, देन इस तरह से हम डिसीजन लेंगे कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा दिया हुआ आपका सीरीज। देखो पहला पहला कंडीशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो दिया हुआ जो आपका सीरीज होता है वो आपका कन्वर्जेंट होता है, और यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है, देखो जो यहाँ पे अल्फ़ा है सिर्फ इसको देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है तो दिया हुआ जो आपका सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे देखो वाट एवर बीटा में भी, बीटा यहाँ पे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, है ना। बीटा यहाँ पे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अल्फा पे डिपेंड होगा कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा दिया हुआ आपका सीरीज, ओके। यानी हम सिर्फ अल्फा को देख के डिसीजन लेंगे। अब देखो अगला केस देखते हैं थर्ड। यहाँ पे देखो समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट बोला जाएगा कब, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ही आपको यहाँ पे देखने हैं कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, जो आपने यहाँ पे अल्फ़ा देखा है इसकी वैल्यू यदि 1 हो गई तो आपको अगला देखना है कि बीटा की वैल्यू क्या है। याद रहे 1 होने पे ही आपको आगे बढ़ने हैं। तो जब 1 हो जाए तो आपको देखना है बीटा की वैल्यू क्या है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो दिया हुआ जो आपका सीरीज होगा वो आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है तो आपको अगला फिर से देखना है कि कहीं बीटा की वैल्यू 1 से कम या 1 के बराबर तो नहीं है। अगर 1 से कम या 1 के बराबर होती है तो जो आपका दिया हुआ सीरीज समेशन ऑफ इवेंट वो आपका डाइवर्जेंट बोला जाता है। देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें कोई फेल वाला केस यहाँ पे नहीं है, ये कभी फेल नहीं होता है, हमेशा काम करता है। वो फ्रेंड्स होता है ना छोटे छोटे योद्धा को मैदान में उतारा जाता है, जब वो लोग हार जाते हैं तो जो सबसे बड़ा योद्धा होता है उसको लास्ट में उतारा जाता है, वो बाजी जीत जाता है। कुछ इसी तरह से ही एक गॉसेस टेस्ट, ये हमेशा जीत कर ही जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉकिंग स्टेप के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है गॉसेस टेस्ट को। तो देखो आपको स्टेप 1 में सबसे पहले डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करने हैं, इसको आप लगा लोगे। उसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो आपको स्टेप 2 पे आना है। अगर ये फेल हो जाता है तो आपको अप्लाई करना है राबेज टेस्ट। तो राबेज टेस्ट अप्लाई करने आपको, ये भी फेल हो जाता है तो, ठीक है याद रहे ये भी फेल हो जाएगा स्टेप 2 पे आपका फेल हो जाएगा तो आपको स्टेप 3 में जाना है। आपको क्या करना है एक्सपेंड करना है इवन बाई इवन प्लस 1 को आपको एक्सपेंड करना है किसके पावर में, 1/n के पावर में एक्सपेंड करने हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सपेंड करने हैं, ओके। जब ये दोनों फेल हो जाएंगे तो आपको थर्ड स्टेप पे आना है, एक्सपेंड करना आपको इवन बाई इवन प्लस 1 को एक्सपेंड करना है 1/n के पावर में, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका स्टेप 4 आता है। उसके बाद आपको डिसीजन लेने हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। कैसे डिसीजन लोगे, यूजिंग गॉसेस टेस्ट। तो गॉसेस टेस्ट का जो स्टेटमेंट है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे जो कंडीशन उत्पन्न हुए हैं उनके अनुसार जो आप डिसीजन लोगे कि दिया हुआ जो आपका सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अभी हम लोगों ने सारे टेस्ट को एक ही करके समझ लिया है, अब हम प्रॉब्लम करने के लिए रेडी हैं। चलो प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स 9.5। पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सारे को ये जो सीरीज गिवन है इनका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। तो चलो करते हैं टेस्ट की हेल्प से, पहला हम करते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि जो एक्स है ना यहाँ पे वो आपका जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसमें जीरो आ जाएगा ना फ्रेंड्स, पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता, बस इतना आपको ये लोग बता रहे हैं। तो चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट कर लेने हैं समेशन ऑफ इवन, ये जो दिया हुआ सीरीज है इसको समेशन ऑफ इवन लेट कर लेने हैं आपको। तो x बाई 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6,
और एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हमने लिख दी। अब हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा इस पर टेस्ट अप्लाई होगा। आपका कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, लॉगरिथमिक अप्लाई होगा या रावेज अप्लाई होगा। तो लॉगरिथमिक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि पावर में होना चाहिए, ओके, और फैक्टोरियल में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या इसमें फैक्टोरियल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे रावेज टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो रावेज टेस्ट लगाने का जो स्टेप मैंने आपको बताया था, देखो कैसे आपको लगाने हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है डी एल लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है, वो लगाना है। अगर वो फेल होता है तो ही आपको लगाने हैं रावेज टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं हम डी एल लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी एल लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है इवन और यू एन प्लस वन चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको इवन चाहिए होता है, एन टर्म चाहिए होता है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो पावर वन है, ठीक है, वन टू थ्री इस तरह से बढ़ रहा है, और नीचे आपका वन इंटू टू, थ्री इंटू फोर, फाइव इंटू सिक्स, सेवन इंटू एट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखो, पहला वाला देखो, पहला वाला वन थ्री फाइव सेवन, देखो वन थ्री फाइव सेवन, ये आपका इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये सीरीज बन रहा है। तो इससे सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि क्या होगा एन टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए पी में है, ये देखो ध्यान से, इनमें जो डिफरेंस है दो का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे तीन में से एक गया दो, पाँच में से तीन गया दो, और सात में से पाँच गया दो, तो ए पी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका वन है और डी कितना है आपका टू है, तो यहाँ से एन टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस, ए प्लस, तो ए आपका यहाँ पे वन है, एन माइनस वन, तो एन हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो एन ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एन आइटम हमें निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी के आपका टू है, तो यहाँ से आपका एन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वन प्लस टू से मल्टीप्लाई करो तो टू एन हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ से आपको टू एन मिलेगा, और वन में से टू घटाओगे तो माइनस वन मिलेगा, तो ये आपका टू एन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, किसका मिला, इसका मिला वन थ्री फाइव सेवन। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे टू फोर सिक्स एट का, तो देखो टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इस तरह से है, जिसमें ए बी ए पी में है, देखो दो का डिफरेंस आपको दिखेगा, चार में से दो गया दो, छः में से चार गया दो, तो यहाँ पे ए आपका टू है, डी आपका टू है, तो यहाँ से एन आइटम आप निकाल लोगे, तो ये होता है एन आइटम का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पे ए क्या है, टू है, एन माइनस वन इसको लिखेंगे क्योंकि हमें एन आइटम ही निकालने हैं, और डी, डी क्या है आपका टू है, तो देखो टू हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई करो तो ये टू एन हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपका टू एन आ जाएगा। तो यहाँ से जो दूसरा वाला है यहाँ पे टू फोर सिक्स एट, इसका जो है ना टर्म आएगा आपका टू एन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और ऊपर देखो वन टू थ्री इस तरह से जा रहा, तो सिंपली ये एन है ना, तो पावर इसका एन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें जो आपका इवन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो वन टू थ्री फोर इस तरह से जा रहा, तो यहाँ पे एक्स के पावर सिंपली एन है, ओके। नीचे आपको क्या मिल रहा है, तो नीचे मैंने आपको बताया, देखो वन थ्री फाइव सेवन से हमें क्या मिला था, हमें मिला था टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एन माइनस वन, और टू फोर सिक्स एट से हमें क्या मिला था, हमें टू एन मिला था, तो हम यहाँ पे टू एन लिख देंगे, ओके। तो हमें इवन मिल चुका है। आप इस एन टर्म से किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, एन के हर वैल्यू के लिए वैलिड है। उसके बाद आपको क्या निकालने होते हैं, यू एन प्लस वन निकालने होते हैं। तो u n प्लस वन निकालोगे, कैसे निकालोगे, n के जगह पे आप पुट करोगे n प्लस वन, टू देखो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n प्लस वन हम पुट करेंगे, ओके, और माइनस वन, उसके बाद आपका यहाँ पे n है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एन, और प्लस टू हो जाएगा ये माइनस वन, तो ये क्या देखो हो जाएगा टू एन, टू में से बन जाएगा आप कहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन, और नीचे आपका क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन, और यहाँ पे देखो टू यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे आपका एन प्लस वन हो जाएगा, ओके। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करने हैं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, बाई टी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है,
तो डीलमस रेशियो टेस्ट से जब हमें यू एन और यू एन प्लस वन मिल जाता है तो हम लोग निकालते हैं इस टेस्ट के अनुसार लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन क्या है, 10। ओके, तो एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन है और उसके बाद आपका एन प्लस वन है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है नीचे चला जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू एन माइनस वन टू एन और एक्स के पावर एन नीचे आ जाएगा है ना। अब हम फर्दर बढ़ते हैं लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है जब ये ऊपर जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ एन प्लस वन पावर है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा इसका, माइनस एन हो जाएगा और यहाँ से टू ये कट जाएगा है ना। उसके बाद एक काम करो आप, देखो यहाँ पे एन यहाँ पे है एक है ना, यहाँ पे एक एन आपको दिख रहा है और इसमें से एन एक निकाल दो तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ओके, और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका टू बचेगा माइनस वन बाई एन बचेगा। ओके, उसके बाद डिवीजन यहाँ पे देखो, इसमें देखो इसमें से एन निकालो तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा टू प्लस वन बाई एन, इसमें से एन निकालो तो ए एन स्क्वायर हो जाएगा है ना, और यहाँ पे बचेगा आपका वन प्लस वन बाई एन। ओके, यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये भी एन आपका कट गया तो एक्स पावर वन यानी एक्स बचेगा, यहाँ पे सिंपली आपको इसमें एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, तो देखो टू माइनस वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर, नीचे आपका टू प्लस वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा और वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है उसमें मैंने इन्फिनिटी पुट कर दी एन की जगह पे और यहाँ पे एक्स बचेगा, तो देखो फाइनल आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर टू मिलेगा, वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है तो टू में से जीरो टू हो जाएगा और वन बाई इन्फिनिटी आपका जीरो होता है तो टू प्लस जीरो आपका यहाँ पे टू हो जाएगा और वन प्लस यहाँ पे इसका मान जीरो तो वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन लिख देंगे, चलो ठीक है, और ये आपका एक्स हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये कट गया और फाइनल आपका एक्स आ गया। अब देखो एक्स तो आपका वेरिएबल है, जैसा एक्स का वैल्यू होगा उसके अनुसार दिया हुआ आपका सीरीज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन एक्स ग्रेटर देन वन, अगर एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा होती है तो समेशन ऑफ यूएन जो होगा, सीरीज जो आपका गिवन है वो आपका क्या होगा, वो आपका डाइवर्जेंट होगा है ना, वो आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर आपका एक्स का वैल्यू लेस देन वन होता है तो समेशन ऑफ जो यूएन होगा वो आपका कन्वर्जेंट होगा है ना, कन्वर्जेंट लिखेंगे यदि एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू वन हो जाए, वन आ जाए ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पे क्या होता है आपका, टेस्ट यहाँ पे कोमा यूज़ करेंगे हम लोग, टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल्स लिखोगे आप। तो देखो एक्स के इस वैल्यू के लिए तो ये काम कर रहा था डीलम्बर्स रेशियो टेस्ट, लेकिन एक्स के वन वैल्यू के लिए काम नहीं कर रहा है ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा तो हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना होगा, और मैंने आपको क्या बताया था इसके बाद आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, रैपिड टेस्ट अप्लाई करना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स, लेटस लिखो, लेटस अप्लाई रावीज टेस्ट ठीक है, कब अप्लाई करोगे, जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो, क्योंकि ये तो फेल हो गया, इसने तो हाथ खड़े कर दिए। अब हम आते हैं तो देखो, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया है एन एन इन टू यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, ये आपका है। तो देखो फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू वन पे आपको इसको इवेलुएट करना है, तो देखो ये आपका है ना यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन, जस्ट इसका उल्टा है ना, तो इसको हम उलट देंगे और यहाँ पे एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स इक्वल टू वन पे सारे काम करने हैं है ना, तो एक्स की जगह पे आप वन पुट कर दो तो वन के पावर एन आपका क्या होता है, वन ही होता है, तो ये तो वन हो जाएगा,
और इसको हम पलट के लिखेंगे। तो देखो ये दो दो कट गया, दो दो कटने के बाद आपका यहाँ पे ये बचेगा नीचे 2n+1 × n+1। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान से, समझो, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन। उसके बाद देखो देखो नीचे आपका क्या बचा, ठीक है, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 × आपका n+1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो नीचे तो आपका इतना ही है, ऊपर क्या है आपका, ऊपर देखो मैंने आपको बता दिया कि x के जगह पे आपको 1 पुट करने हैं, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। x को आपको देखना नहीं है, एक तरह समझ सकते हो x को आप नेगलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि उसका मान मानेगा तो उसको लिखना नेसेसरी नहीं होता, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो नीचे, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिवीजन में, तो इसको जब हमने पलटा तो ये आ जाएगा नीचे 2n-1, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2n-1, ओके। और एन भी है आपका यहाँ पे, तो एन भी हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद -1, ये देखो -1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे। और फ्रेंड्स इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, यहाँ पे देखो यहाँ पे समझो इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे, n × 2n-1, ये आपका हो जाएगा 2n+1 × n+1। उसके बाद माइनस, ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे छप जाएगा, n × 2n-1, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से एन से एन कट गया, ये ऊपर क्या बचा देखो, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो फ्रेंड्स, 2n² + 2n + n+1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इसको एन को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2n² और यहाँ पे माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, नीचे आपका क्या बचा 2n-1 बचा, है ना। तो देखो क्या कट जाएगा, ये चीज़ें कट जाएगी, यहाँ पे देखो 2n और n आपका हो गया 3n और n आपका यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो ऊपर आपका 4n और +1 बचा, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका बचा 4n+1, है ना, नीचे आपका 2n-1, ये आपको मिला। अब एक काम करो, इसमें से n कॉमन कर लो, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से भी आप कॉमन कर लो, तो देखो हो जाएगा लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन कॉमन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे अगर मैं एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी का मामला हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम नहीं कर सकते कैलकुलेशन। तो एन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1/n हो जाएगा, नीचे हम एन कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1/n हो जाएगा, ये एन एन कट जाएगा। कटने के बाद आप जो इसमें पुट कर सकते हो एन की जगह पे इन्फिनिटी, तो देखो ये 1/50 हो गया, ठीक है, नीचे आपका 2-1/50 हो गया, तो ये 4+0 और 2-0, तो ये हो गया 4/2, 2×2=4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वैल्यू आया, जो कि आपका के होता है ना, तो के यहाँ पे आ गया आपका 2 के इक्वल, है ना, जो कि 1 से बड़ा है, ओके। 1 से बड़ा तो यहाँ पे लिखोगे सो द सीरीज समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट मैंने क्यों बोला, तो देखो रैबिट टेस्ट को आपको देखना पड़ेगा, देखो देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, दिया हुआ आपका सीरीज आपका कन्वर्जेंट होता है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो 1 से ज़्यादा ही है, देखो 2 है जो कि 1 से ज़्यादा ही होता है, तो आपका ये क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट बोला जाएगा एट x=1 पे, जो हम काम कर रहे हैं x=1 पे ही काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लिखेंगे। तो फाइनल हम कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे, x=1 पे भी हमें कन्वर्जेंट मिला, और पहले भी हम निकाल चुके हैं कि x > 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होगा और x < 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। तो देखो x < 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है और x = 1 पे भी कन्वर्जेंट ही आ रहा है, अभी हमने दिखाया इसको, तो ये इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो समझो, देखो फाइनल आपको कन्क्लूजन यहाँ पे जो मिला लिख देना यहाँ पे, हैंस वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि द गिवन
सीरीज कौन सा सीरीज आपका? समेशन ऑफ इवेंट इज कन्वर्जेंट होगा व्हेन जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होगी। देखो एक से कम होगा तो कन्वर्जेंट तो बोलेंगे ही, एक्स के बराबर होगा तो भी हम कन्वर्जेंट ही बोलेंगे। देख सकते हो यहाँ पे हमने निकाला एंड डाइवर्जेंट बोलेंगे वेन एक्स का जो मान है वो वन से ग्रेटर होगा। तो इस तरह से लास्ट में आपको लिख देना है। समझ गए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये आपका क्या था, स्टेप वन लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, ये स्टेप वन था। और यहाँ पे जो अप्लाई किया हम लोग, यहाँ पे इसका वैल्यू जो निकाल रहा है ये स्टेप टू था, है ना। और जो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया कि कन्वर्जेंट होगा एक्स इक्वल टू वन पे, तो ये आपका ये स्टेप थर्ड था, ठीक है। और ये तो आपका फाइनल कंक्लूजन था, ठीक है, दोनों को मिला के। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है, जो लिखा है यहाँ पे लेक्चर मैंने इसी तरह से आपको लिखने हैं। अब जो अगला जो मैं क्वेश्चन करूँगा इसमें मैं उतना लेक्चर नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। तो याद रहे जो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करने हैं और उतने ही आपको लेक्चर लिखने होते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन करूँगा उसमें मैं इतना लेक्चर नहीं लिखूँगा, इसमें टाइम का किलिंग होता है। तो मैं जो है सिर्फ जो आपको दिखा दूँगा कि ये चीज़ें होता है, तो ध्यान से फोकस कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर ये आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लीड करते हैं समेशन ऑफ इवन एक्स के बराबर। देखो यहाँ पर वन लिखा नहीं है लेकिन एक्चुअल में वन ही होगा ना, कुछ नहीं है तो वन ही होता, वन इंटू टू एक्स के पावर टू, टू इंटू थ्री और एक्स के पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री इंटू फोर और एक्स के पावर फोर डिवाइड बाई फोर इंटू फाइव डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखने पे पता चला कि इसमें जो है फैक्टोरियल हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, ये फैक्टोरियल वाला सीरीज नहीं है और पार वाला सीरीज भी नहीं है। तो क्या लगेगा इसके ऊपर, रफेज टेस्ट लगेगा और रफेज टेस्ट अप्लाई करने का जो स्टेप मैंने बताया उससे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो रफेज टेस्ट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट निकालना होता है। और डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट के लिए हमें चाहिए इवन। इवन कैसे फाइंड होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर इस तरह से ये एक एक करके बढ़ रहा है, एन सिंपली ये एक्स के पावर एन है ऊपर, ओके। यहाँ पे एन की जगह वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, इस तरह से वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, फोर इंटू फाइव। यहाँ पे देखो पहले वाले में देखो, यहाँ पे इसको देखो इस तरह से आपका गिवन रहे। तो देखो अगर आपको दो टर्म गिवन है, तीन टर्म गिवन रहे और तीन टर्म ही रिपीट हो बार बार, दो टर्म ही रिपीट हो बार बार, तो आपको पहले वाले से देखने हैं फिर दूसरे वाले आपको देखने हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, ओके। तो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, ठीक है, जिस तरह से आपका वन टू थ्री फोर हो रहा है तो इस तरह से भी आपका यहाँ पे वन टू थ्री फोर हो रहा है, तो ये कंपेयर के इन है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे देखो वन है तो यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे फोर हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक ज़्यादा हो रहा था। एन यहाँ पे है तो एन प्लस वन हो जाएगा, एक ज़्यादा, तो यहाँ से हमें इवन मिल जाएगा, ठीक है। तो इवन हमें क्या मिला, एक्स के पावर एन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन। अब हमें निकालना है यू एन प्लस वन, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन प्लस वन, यहाँ पे देखो एन है तो ये देखो एन प्लस वन, इसमें पुट करूँगा तो वन वन टू हो जाएगा, तो एन प्लस टू हो जाएगा, ये है ना, दोनों मिल चुका है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, डी एलम्बर्ट्स टेस्ट, एलम्बर्ट्स टेस्ट। तो इसके आंसर क्या होता है, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई इवन। तो सबसे पहले हम यू एन प्लस वन लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे एक्स पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और एन प्लस टू, ओके। मल्टीप्लाई, ये देखो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा ये, तो ये ऊपर चला जाएगा जो नीचे है और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स लिमिट्स लिखना है। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो ये एन प्लस वन, एन प्लस वन कट जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो एन प्लस वन है ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, एन एन कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा आपका। तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर देखो आपका क्या बचा,
एक आपका यहाँ पे एन बचा है ना, और नीचे आपका क्या बचा यहाँ पे एन प्लस टू बचा है ना, और यहाँ पे एक्स बचेगा ऊपर। देखो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिंपली एक्स हो जाएगा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन ऊपर और नीचे हम एन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे टू बाई एन हो जाएगा, एन कट जाएगा है ना, और यहाँ पे एक्स भी है तो देखो क्या हो जाएगा लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये करने के बाद इसमें सिंपली आपको अब लिमिट मत लिखो, अब जो है सिंपली एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो, तो देखो ऊपर आपका एक्स है नीचे आपका वन प्लस टू बाई इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो एक्स देखो टू बाई इन्फिनिटी आपको जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो आपका यहाँ पे वन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली एक्स मिलेगा इसका वैल्यू है ना। तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन जो आपको मिला एक्स मिला। अब देखो इसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा सीरीज। तो देखो जब यहाँ पे वैन एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी तो जो समीशन ऑफ यू एन होगा वो डी आई भी होगा डाइवर्जेंट, और जब आपका एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी तो जो समीशन ऑफ यू एन होगा वो आपका सी ओ एन भी होगा ओके कन्वर्जेंट। इतना ही लिखना है हमें अब शॉर्टकट। और जब एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी तो आपका यहाँ पे टेस्ट जो है फेल हो जाएगा, फेल्स। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे अगला स्टेप है ना हमारा रावेज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लेट्स अप्लाई रावेज नाम है इसका रावेज टेस्ट ठीक है। तो इसके अनुसार हमें क्या इवेल्युएट करना होता है, सबसे पहले एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन ए माइनस वन, ये हमें इवेल्युएट करना होता है। तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, अब देखो यू एन बाई यू एन प्लस वन देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये आपका ठीक है यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन एन, तो यहाँ पे क्या है जैसे इसका उल्टा है तो इसको पलट देंगे तो ये तो आपका कट गया ठीक है ओके। यहाँ पे याद रहे आपको x इक्वल टू वन पे काम करने है सारा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेन x इक्वल टू वन, तो इस x इक्वल टू वन पे ही सारा काम करने है। तो इसमें आप x की जगह पे वन पुट करोगे तो सिंपली ये वन हो जाएगा है ना, और इसको पलट दोगे ठीक है, पलट के ही लिखना आपको। तो नीचे आपको n प्लस टू दिख रहा है ओके, नीचे आपको n प्लस टू दिख रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर आपका क्या दिख रहा है n दिख रहा है ना। तो यहाँ से देखो ये जो ऊपर n दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस टू डिवाइड बाई n हो जाएगा माइनस वन। तो फर्दर क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो n का, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n n प्लस टू हो जाएगा माइनस यहाँ पे n हो जाएगा डिवाइड बाई n हो जाएगा, n से n कट जाएगा और यहाँ पे भी n से n कट जाएगा, और सिंपली इसकी वैल्यू जो आ गई टू आ जाएगी ठीक है। लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे देखो टू ही बचेगा ना सिर्फ, तो टू बचेगा तो n तो है नहीं, तो n की जगह इन्फिनिटी हम पुट कहाँ से करें, तो सिंपली हम टू लिख देंगे यहाँ पे, टू एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो टू के आपका यहाँ पे k है, और इसकी जो वैल्यू आई वो एक से ज़्यादा आई, तो एक से ज़्यादा आई तो आपका समेशन जो इवन होगा इस क्या होगा एक से ज़्यादा होता है। अगर आपके टेस्ट में क्या होता है देखो आपके टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए ठीक है, ये कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट है ना, समेशन ऑफ इवन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा एट एक्स इक्वल टू वन पे। और फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो फाइनल अगर देखा जाए ठीक है, फाइनली वी गेट हमें क्या मिल जाएगा देखो, हमें मिलेगा यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो रही है तो समेशन ऑफ इवन जो होगा डाइवर्जेंट होगा, और एक्स की वैल्यू लेस देन वन और इक्वल टू वन ठीक है। देखो इक्वल टू वन पे भी यहाँ पे आपका कन्वर्जेंट मिला है, तो ये आपको समेशन ऑफ इवन क्या मिला सी वन भी मिला ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, ये आपका दिया हुआ है इसको करते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे इवन लिखने जाऊँ ठीक है वन को लेके, तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं आपको बताऊँगा आप डिटेल में
यहाँ पे लिखूँगा आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट टर्म, ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज, जो सीरीज हमें गिवन है उसमें से पहले टर्म को हम डिलीट करेंगे तो देयर इज नो अफेक्ट ऑन कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। तो अगर इसमें से हम पहले टर्म को हटा देते हैं तो जो सीरीज का कन्वर्जेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज होता है इन्फिनिट सीरीज का, मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर प्रॉपर्टीज में बताया था इन्फिनिट सीरीज की प्रॉपर्टीज़ में कि जो आपका चेंजेस होता है, कन्वर्जेंसी बोलो या डाइवर्जेंसी बोलो या इन्फिनिट सीरीज का आप नेचर बोल सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है अगर हम कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है, इस सीरीज में से ऐड करें या डिलीट करें, ठीक है, उसमें हम जोड़ दें कोई टर्म अपने से या डिलीट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ें लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ UN इक्वल टू, अब इसको हमने हटा दिया, वन को हटा दिया, तो जो बाकी बच गया उसको लिख रहे हैं (1)/(1)/(2)/(3)/(4)/(1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(5)/(6)/(8)/(infinity तक। ओके, देखो ऐसा आपको तभी करना है, डिलीट या ऐड आपको तभी करना है जब आप देखो कि आप उसको लेके इवन ना लिख पाओ, ठीक है, जो एनर टर्म है उसको आप नहीं लिख पाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोशिश भी करोगे तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है, तभी आपको डिलीट करना है या ऐड करना है। अब चलो हम यहाँ से इवन फाइंड कर लेंगे, अभी इस सीरीज़ को ध्यान से देखो, देखने पे इसमें आपको फैक्टोरियल कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, लॉगरिथमिक स्टेप अप्लाई नहीं होगा, रावेज अप्लाई होगा, ठीक है, तो ठीक है रावेज स्टेप अप्लाई होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है डी लंबर से रेशियो टेस्ट, और उससे पहले हमें निकालना होता है इवन और इवन प्लस वन, तो इवन निकालेंगे, तो देखो इवन आपका क्या होगा, कैसे निकालोगे इसका, देखो पहले टर्म पे यहाँ पे देखो 1/2, दूसरे टर्म पे यहाँ पे दो टर्म बढ़ गया, तीसरे टर्म में यहाँ पे तीन टर्म बढ़ गया, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे (x^1), (x^2) और (x^3) इस तरह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तीसरे टर्म में यहाँ पे तीन टर्म हो गए, ठीक है, अगर चौथा टर्म लिखेंगे तो चार टर्म हो जाएगा, तो समझते हैं इसको, पहले ऊपर वाला देखते हैं 1 × 3 × 5 इस तरह से ये बढ़ेगा, ओके इस तरह से ही जाएगा, तो यहाँ पे एक देखो यहाँ पे एपी में है, यहाँ से देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा 2, तो एपी में है, तो ए यहाँ पे 1 है और डी यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो ए आपका 1 है, डी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इनर टर्म आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो और इनर टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए प्लस (n-1)(d), तो (n-1)(d) क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1+(2)/(2)(n-2), तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखो 1 में से 2 हो जाएगा तो -1, तो 2n-1 हो जाएगा, तो एन आइटम आपका ये हो जाएगा 2n-1, ठीक है, मतलब जब एन आइटम हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये डॉट डॉट करते करते आपका 2n-1 तक जाएगा, ओके ठीक है, नीचे वाला की बात कर लेते हैं, तो देखो नीचे वाला आपका दिया है 2 (n)(2), ठीक है 2 × 4 × 6 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ये भी एपी में है, देखो 2 का डिफरेंस है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो ए यहाँ पे 2, ठीक है ये आपका 2 है ना, और यहाँ पे डी क्या है आपका 2 ही है, डिफरेंस तो 2 ही है, तो यहाँ से एन टर्म आपका क्या जाएगा, तो 2+(n-1)(d), डी आपका 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो 2n-2, तो ये 2 खत्म, तो ये आपका 2n आ गया, तो जब एन टर्म हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट में आएगा 2n होगा, ठीक है ओके, तो चलो इसके अनुसार हम डिजाइन कर लेते हैं, तो देखो जब एन टर्म हम लिखेंगे तो इस तरह से पड़ेगा, देखो यहाँ पे तीसरा टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे तीसरा आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम एनर टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे (x^n) आ जाएगा, ओके (x^n) आएगा, पहले इसको मत लिखो, पहले इसी को लिख लेते हैं 1 × 3 × 5, ये जो बढ़ रहा है इसको पहले लिखते हैं, ओके ध्यान से समझो इसको, ऐसे देखो 1 × 3 × 5 ... देखो ये बढ़ता जाएगा जब आप एनर टर्म अब जब फाइंड करोगे, ओके तो इस तरह से बढ़ता जाएगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा,
देखो टू एन माइनस वन तक, ठीक है, टू एन माइनस वन तक जाएगा जब एन निकालोगे तो, ओके। और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे तीसरा टर्म निकाल रहे हो तो तीन यहाँ पे पावर आ रहा है, तो जब आप एन टर्म निकालोगे तो यहाँ पे आपका एक्स का पावर एन हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? नीचे का बात कर लेते हैं। अब देखो जब तीसरा टर्म आपने निकाला था यहाँ पे तीन टर्म आया, ओके तीन टर्म आया, तो अगर जो है आप यहाँ पे एन टर्म निकालोगे तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता जाएगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा तो टू इन तक जाएगा, ये टू इन तक जाएगा, ओके समझ में आ रहा है। और नीचे कुछ है नहीं एक्स वाला, सिर्फ ऊपर वाला ही एक्स वाला है, ठीक है, इस तरह से ये फ्रेंड्स होगा। तो इवन हमें मिल चुका है, अब हम यू एन प्लस वन निकालेंगे, मतलब एक टर्म ज़्यादा करना है हमें। तो देखो वन इंटू थ्री इंटू फाइव डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे टू एन माइनस वन तक तो अब तो टर्म था, ठीक है, जब एन टर्म हम निकाले, अब एन प्लस वन मतलब एक टर्म हमें बढ़ाना है, तो एक टर्म हम यहाँ पे बढ़ा के लिखेंगे, यानी एन की जगह पे हम क्या कर देंगे एन प्लस वन कर देंगे, तो टू एन प्लस वन माइनस वन, ओके एन की जगह पे हमने एन प्लस वन पुट कर दी, एक टर्म बढ़ा दी, और यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन हो जाएगा, एक टर्म ज़्यादा, ठीक है। नीचे देखो क्या हो जाएगा, टू इंटू फोर इंटू सिक्स डॉट डॉट डॉट, ये टू एन एन टर्म तक तो था, लेकिन हमें एन प्लस वन एक टर्म बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, टू एन की जगह पे हमें एन प्लस वन पुट करना होगा। इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब टू को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये टू एन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, टू में से वन जाएगा आपका वन आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे भाई टी एल एम बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना होता है, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई इवेंट फाइंड करना होता है ना। तो देखो ये आपका यू एन प्लस वन है, तो इसको हम लिखेंगे, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, इसी में हमें एडजस्ट करना है, डॉट 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 टू एन माइनस टू एन है फ्रेंड्स, टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन एक्स के पावर एन प्लस वन, ओके डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स डॉट 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 टू एन और टू एन प्लस वन हो जाएगा, ओके इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये नीचे है तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लट जाएगा, ये यू एन कहाँ गया ये रहा, ठीक है, तो इसको प्लट के लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स डॉट 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 टू एन तक, ये नीचे आ जाएगा वन इंटू थ्री इंटू फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन एक्स के पावर एन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ें कट जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, और ये आपका पूरा कट जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो n प्लस वन पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा n, तो n कट जाएगा x बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ऊपर, ऊपर देखो टू एन प्लस वन मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू एन प्लस वन, है ना, और नीचे आपका क्या मिलेगा टू एन प्लस वन मिलेगा, है ना, ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे x। फर्दर क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन करो, ओके, क्योंकि अभी हम इस पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो n कॉमन करोगे तो यहाँ पर टू बचेगा, यहाँ पे वन बाई एन हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो है n कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन, तो ये n से n कट जाएगा। अब जब इसमें x भी होगा, ठीक है, और जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करते हो वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो, तो टू ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वन बाई इन्फिनिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो वन आ जाएगा नीचे, और टू भी है, ठीक है, तो टू इंटू वन आपका टू आ जाएगा, तो यहाँ पे टू बाई टू इंटू एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आई है वो एक्स आई है, तो एक्स वेरिएबल होता है, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू होगी उसके अनुसार डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगा। तो देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई तो ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्या डाइवर्जेंट होगा, समेशन ऑफ वी वन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू लेस देन वन हुई तो आपका ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ओके, क्या, तो समेशन ऑफ इवन होगा, और एक्स की वैल्यू अगर वन होती है तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है, ओके, टेस्ट फेल हो गया तो अगला टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो अगला टेस्ट हमारा क्या होगा, लेट अस अप्लाई, कौन सा टेस्ट लगाएंगे बताओ, रावेज टेस्ट, तो रावेज टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें इवेल्युएट करना होता है लिमिट सेंटेंटेंटिटी एन इंटू एन इंटू यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, है ना, तो हम देख लेते हैं
इसको u n और डिवाइडेड यू एन प्लस वन। तो देखो इसमें देखो देखो यहाँ पे देखो किस पे x इक्वल टू वन पे है ना। तो फ्रेंड्स देखो जब इनका हमने रेशियो लिया था तो ये चीज़ें हमें मिली थी है ना, तो ये चीज़ें हमें मिली थी तो इसी को लिखेंगे बस। इसको देखो इसको उलट के लिखेंगे, ओके उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और x के जगह पे हमें वन पुट करना है ना। तो ये वन हो जाएगा तो सिंपली आपका यही बचेगा, तो ये ऊपर ये नीचे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा टू एन, टू कॉमन है ना आपका n प्लस वन, ओके और नीचे आपका क्या है टू एन प्लस वन और माइनस वन, तो यहाँ पे ये है ओके, ये आपका हो गया। उल्टा करके लिखा मैंने इसको। अब यहाँ पे देखो इसके एलसीएम ले लो आप, तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू, अब टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो टू एन हो जाएगा और प्लस टू हो जाएगा माइनस, इसको ले लो तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस वन से तो माइनस टू एन हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा और नीचे आपका टू एन प्लस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा और टू में से वन जाएगा तो आपको वन मिलेगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, ऊपर एन आपका मिल गया क्योंकि टू में से वन गया तो वन मिला और इन टू वन आपका एन हो जाएगा और टू एन प्लस वन मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन ऊपर छोड़ो और नीचे आप एन कॉमन कर लो तो यहाँ पे टू मिलेगा वन बाई एन मिलेगा तो एन एन कट गया। और सिंपली आपको एन की जगह पर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करने हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वन आपका बचा यहाँ पे टू वन बाई इन्फिनिटी तो ये जीरो हो जाएगा तो वन बाई यहाँ पे टू आ जाएगा ठीक है। तो वन बाई टू एक्चुअल में क्या है के की वैल्यू है और के यहाँ पे जो आ रहा है वन से कम आ रहा है ठीक है, ये जो आया एक से कम है फ्रेंड्स, तो एक से कम है तो यहाँ पे लिखेंगे सो समिशन ऑफ इवन इज क्या होगा डाइवर्जेंट होगा ठीक है, ये डाइवर्जेंट होगा एट एक्स इक्वल टू वन पे है ना, ये डाइवर्जेंट होगा क्यों क्योंकि काफ़ी चीज में मैंने आपको बताया था। देखो के की वैल्यू अगर x से कम आती है तो ये क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, तो डाइवर्जेंट बोलेंगे इसको। और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा रिजल्ट, तो देखो x इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट मिला हमें और डाइवर्जेंट किस पे मिला है x ग्रेटर देन वन पे। तो देखो वेन x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो रही है तो ये हो रहा है समेशन ऑफ इवन जो हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू लास्ट देन वन होगी तो समेशन ऑफ इवन क्या होगा सी वन वी होगा कन्वर्जेंट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो चौथा नंबर, ये तीसरे जैसा ही है ना, तो इसको मैंने बना दिया है इसको समझो। देखो ये वन लेके चलोगे तो आप जो है इवन फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको इस वन को हटाना पड़ेगा एंड डिलीट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नो एनी इफेक्ट्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कन्वर्जेंसी पे ठीक है। जब आप डिलीट कर दोगे फर्स्ट टर्म को मतलब इसको हटा दोगे तो कन्वर्जेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीरीज में है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसको हटाने के बाद कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पे देखो अपने से मैंने यहाँ पे दिया है वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये आपको इवन निकालने में बेनिफिशियल होगा। देखो समझो कैसे हम इवन निकालेंगे यहाँ से, देखो इवन हमें चाहिए, ऊपर देखो पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म एक किस तरह से बढ़ रहा है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक ज़्यादा होता जा रहा है ठीक है, तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डॉट डॉट इस तरह से जाएगा ठीक है। कहाँ तक जा सकता है एन तक जा सकता है क्योंकि एन टर्म हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये ऐसे ही एक एक करके बढ़ता जाएगा ओके। तो लास्ट वाला जो आपका होगा एन तक जाएगा ठीक है। अब नीचे का बात कर लेते हैं वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, देखो वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन ये आपका ए बी में है, देखो थ्री में से वन गया टू फाइव में से थ्री क्या टू, तो ये ए बी में है, यहाँ पे ए वन है आपका डी यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे जो एन होगा एन टर्म जो होगा आपका क्या होगा फ्रेंड्स ए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन मतलब एन माइनस वन हो गया और डी की जगह टू, तो यहाँ पे वन प्लस टू एन माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे टू एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका टू एन माइनस वन तक जाएगा ठीक है। तो एन टर्म जब निकालोगे तो आपका टू एन माइनस एन तक आपका जाएगा, यहाँ पे इस तरह से जाएगा ये, देखो वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन डॉट डॉट लास्ट आपका टू एन माइनस वन तक, समझ में आ रहा फ्रेंड्स, ये आपका एन तक ये आपका टू एन माइनस वन तक
अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसका एक्स के पावर का, ठीक है। तो एक्स के पावर यहाँ पे 3 है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 4 हो रहा है तो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो जब अगला जो टर्म होगा वहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है। एक ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 होगा तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी एक कम हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है तो यहाँ पे 4 हो रहा है, देखो एक कम हो रहा है, इससे एक कम होगा। अगर यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक कम होगा। तो देखो अगर एन यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, एक कम, ठीक है। तो इसलिए मैंने इवन यहाँ पे लिखा 1, 2, 3 डॉट 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 एन, ठीक है, एन तक जाएगा ये इस तरह से करके, और ऊपर आपका पावर जो होगा एक्स का एन माइनस वन हो जाएगा, एक कम। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन, नीचे मैंने बताया कि आपको 2n-1 तक होगा। एन प्लस वन निकालो मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा, तो ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे यहाँ तक, एक टर्म एक्स्ट्रा मतलब एन की जगह पर आपको एन प्लस वन पुट करना है, और यहाँ पे भी एन की जगह पे आप एन प्लस वन पुट करोगे तो आपका यहाँ से 1 कट जाएगा, एन आ जाएगा। नीचे आप देखो, नीचे आप यहाँ पे एन की जगह पे और एन प्लस वन पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका जाएगा ही, एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे एन की जगह पे एन प्लस वन पुट करोगे तो आपको 2n+1 मिल जाएगा, एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, बाई डी एलम्बर्स टेस्ट, ये टेस्ट अप्लाई करोगे। तो इसके लिए आपको इसको निकालना होता है UN+1/UN, तो ये आपका UN+1 है और ये आपका ये UN है, तो ये नीचे है ना, जब मल्टीप्लाई हुआ तो पलट जाएगा, तो ये आपका पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें कट जाएगी, कटने के बाद फाइनली आपको ऊपर मिलेगा N+1, नीचे आपको 2N+1 मिलेगा, इंटू एक्स मिलेगा। यहाँ से एन कॉमन कर लो, तो एन कॉमन करोगे तो आपको ये मिलेगा 10, और नीचे आपका 10 मिलेगा, ये कट जाएगा। एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो आपको इस तरह से मिलेगा, ऊपर 1 नीचे आपका 2 मिल जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स पर N-1 है, यहाँ पे एक्स पर एन है। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, देखो एक्स का पावर एन है ना, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो पावर इसका -n और +1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x/2 आपका आया, जो इसका वैल्यू आया, ठीक है, इसका जो वैल्यू आया x/2 है, जो कि k होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब x/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर आ गया और x सबका इधर, x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा होगी तो जो आपका सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये होगा डीएलएमएस रेशियो टेस्ट, हम जानते हैं इस चीज़ को कि अगर ग्रेटर होता है, एक्स ग्रेटर होता है जो आपका वैल्यू आता है वो, तो वो होता है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंट लिखेंगे, और इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा x<2>, तो 2 से कम होगा x की वैल्यू तो वो कन्वर्जेंट होगा, और x/2=1 हो जाए, यानी x=2 हो जाए तो टेस्ट आपका फेल होता है। तो टेस्ट आपका फेल हो गया x=2 पे, तो हमें दूसरा टेस्ट लगाएंगे, कौन सा, रावेज टेस्ट, क्योंकि देख सकते हो ये फैक्टोरियल में नहीं है कि हम लॉगरिथमिक लगाएंगे इसमें, है ना। तो चलो रावेज टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पर। तो यहाँ पे मैंने रावेज टेस्ट लगाया था, समझो, देखो लेट अस अप्लाई रावेज टेस्ट एट x=2, x=2 पे रावेज टेस्ट लगाएंगे। तो रावेज टेस्ट के लिए हमें ये चीज़ें निकालनी होती है, तो देखो ये हम निकाल चुके हैं, बस उसको प्लॉटिंग करो। देखो देखो यहाँ फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे x=2, यहाँ पे आपको 2 पुट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, देखो इसको हमें उलट उलट देना है, ठीक है। रैपिड टेस्ट में ये चीज़ें होती है उलट के होती है, ठीक है। तो इवन ऊपर चला जाएगा, इवन n+1 आपका नीचे चला जाएगा, तो इसको इसको ऊपर लिखूंगा, इसको नीचे लिखूंगा, और एक्स की जगह 2, देखो क्या हो जाएगा, ये तो आपका कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 मैंने पुट किया, तो नीचे आ गया ये, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, उसके बाद इसको आप लिखो, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2n-2 हो जाएगा, ओके। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपका देखो कट जाएगा ये 2n, और 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 × 2n+1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये काम करो आप, देखो नीचे जो है इसमें से n कॉमन कर लो तो 1+1/n होगा, n कट जाएगा तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो आपका -0.5 आएगा, जो कि k होता है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 से कम आई है, देखो -0.5 है ना, 1 से तो कम ही है, तो 1 से कम है तो हम समेशन ऑफ इवन क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट होगा x=1 पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई है -0.5 आई है, जो कि 1 से कम है,
रावे टेस्ट हम जानते हैं कि अगर के की वैल्यू एक से कम हो जाए तो हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। अब फाइनल हम कंक्लूजन निकालेंगे, हैंस समेशन ऑफ यून डाइवर्जेंट होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा, तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे टू होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू टू पे। तो जब एक्स इक्वल टू टू हो रहा है तो आपका डाइवर्जेंट हो रहा देख सकते हो, और एक्स आपका ग्रेटर देन टू हो रहा है तो भी आपका डाइवर्जेंट हो रहा है एलिमेंट स्टेट से, ठीक है। डीएलएमबर्ट टेस्ट से आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है देख सकते हो, और इस पे आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इसको देखते हो यहाँ पर तो कन्वर्जेंट हो रहा है एक्स लेस देन टू पे। तो इस तरह से फाइनल आपका आंसर ई आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करने हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बचे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।